आप हैं श्री वेद प्रकाश जिंदल जी, फर्म वेद प्रकाश एंड सन्स। आप चना एवं चना दाल के विश्वसनीय कन्वेंसिंग एजेंट हैं। आप सन 1974 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। आप समाज सेवा में रत प्रतिष्ठित व्यवसायी, सरल हृदय, हसमुख, शांतचित स्वभाव एवं मिलनसार, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए धार्मिक विचारों वाले सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं। आपके समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि 53 चौवन साहब दिल्ली न्याय बाजार में कार्य करते हुए आप लोग ऐसे प्यार पाते हुए हो गए हैं। आज मैं जो अभिनंदन आभार प्रकट कर, जो मेरा कार्यक्रम चल रहा है वो काफी उत्साह हर्ष उल्लास के साथ चल रहा है। सब व्यापारियों है भाइयों में बहुत ही स्नेह प्यार से मेरा साथ दे रहे हैं, अभिनंदन करवा रहे हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा हक बनता है गोलछा जी, हनुमान जी सही कर रहे, सही करने में कोई परेशानी नहीं है। आज मैं ऐसे व्यक्ति से आपका साक्षात कर रहा हूं मैं, जिनका कभी भी अहंकार अहम और ये विज्ञापन में या मोबाइल पे आने पे बहुत संकोच करते हैं। मैंने सिर्फ निवेदन किया कि बाबूजी आपका साक्षात करना चाहता हूँ। बोले हनुमान जी आपको कौन मना कर सकता है, मैंने तो आपका उस समय देखता हूँ, देखा है मैंने, और बाकी मैंने उनको देखा है साधुराम जी दलाल हुआ करते थे चने के खीर, उनकी जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है, आज हमारे बीच में नहीं है, बाकी आज भी मेरे इस वक्ति में आज भी है उनके पास। ये मैंने ख्याल से उनसे वहाँ से शुरुआत करी थी, मैंने वहाँ से उनको देखा है, तब से मैं वैसे ही देख रहा हूँ जैसे वहाँ देखा था, उसी लगन से, उसी मेहनत से, उसी ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं। आज ये कहते गर्व हो रहा है कि मैं इनकी बिल्डिंग में ही जहाँ ये रहते हैं वहाँ मुझे रहने का सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति का नाम है श्री वेद प्रकाश जी जिंदल, जिनका मैं साक्षात कर रहा हूँ। आदरणीय भाई जी, वेद प्रकाश जी नमस्कार। नमस्ते हनुमान जी, और कैसे हो, ठीक हो? कृपा आपकी। आप व्यापारी भाइयों को मेरे ऐसे जब विचार तक मुझे पता है कि दलाला साधुराम जी, इनके लड़का सुबोध सुरेश जी, इनके साथ काम में लगे रहते थे, और मेरा आना जाना जब भी रहता था तो आप हंसकर लाला को कहते थे आगे गोलछा जी। हाँ जी हाँ, उस टाइम गोलछा जी कम होते था, हनुमान ज्यादा होता था, हनुमान बोल के संबोधित करते थे। आज से वो दिन से आज दिन से बराबर मैं आपको देख रहा हूँ। बिल्कुल जी, आज एक ही बिल्डिंग हम दोनों रह रहे हैं। बिल्कुल जी, तो अपने बारे में व्यापारी भाइयों को बताने कृपा करें। ठीक है जी, मेरा नाम वेद प्रकाश जिंदल है और मैं सन 74 से नया बाजार में लाला साधु राम जी के साथ काम कर रहा हूँ, और लाला साधु राम जी का बहुत सहयोग मिला और बहुत अच्छा काम करते थे, उन्हीं के सहयोग से मैं आगे काम कामयाब हो गया, और जाके जब से मैं अब तक चना दाल का काम करता हूँ, और नया बाजार में सभी आदमी अच्छे हैं, और हनुमान जी से परिचय हमारा सन 74 से ही है, और बहुत बढ़िया काम है और बहुत अच्छे आदमी हैं, और व्यापार के लिए हम सबके लिए अच्छे के लिए काम करना चाहते हैं, और बाजार में जो भी है अच्छा संगठन रहे और अच्छा काम मिले यही दुआ करते हैं। और हनुमान जी से हम तब से जानते हैं, और उनकी डायरेक्टरी जो है अमर ज्योति और बहुत अच्छी चली हुई है और बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम देते हैं। वो भी इसी लाइन में काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इसी वो कब से कर रहा है? वो सन 2000 से कर रहा है। सन 2000 से जी। तो अभी 2000 में स्मार्ट का बेटा तो एक ही है ना? एक ही बेटा। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ नहीं, अच्छा आपकी कृपा। अभी चना दाल का काम? हाँ, चना दाल का मेन चना दाल का काम है, बाकी थोड़ा थोड़ा दूसरा काम भी होता है। नरेश जी है उनके साथ ही आपका पूरा रहता था? बिल्कुल जी। तो लाला कपूरी जी साथ ही थे उस टाइम? कैसे जब शुरू में लाला साधुराम जी, कपूर चंद जी और लाला रघुनाथ जी, उस टाइम से मैं इनसे पास काम कर रहा हूँ सन 74 से। रघुनाथ जी नहीं हुआ क्या?
नहीं रामताजी हाँ फादर फादर रघुनाथ का उनसे काम कर रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया रेपुटेशन और बहुत बढ़िया काम था इन लोगों का, बहुत ईमानदारी से काम करते थे सब लोग का। उसी के आपका संस्कार लगा हुआ है, उसी से आप काम कर रहे हैं। हाँ उसी से क्या हो गया, देखिए हमारी जान पहचान बातचीत अच्छे आदमी से हुई और जिससे हम कामयाब हो गए और अभी भी चना दाल का काम जो है कर रहे हैं। कोई दिक्कत, आपका आशीर्वाद है सब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखा आपने संक्षेप में, ये से कहते संस्कार, इसका नाम ही संस्कार है कि संस्कार से आदमी आगे बढ़ता है। इन्होंने संस्कार का हो रहा, आज रघुनाथ जी हमारे बीच में नहीं है फिर भी आज मैं याद कर रहे हैं, हाजराम जी हमारे बीच में नहीं है फिर भी आज इनको स्मरण है, जब मुझे भी है तो इनको तो है ही है, इनको बीच में लगाया है। राजा कपूर जी साहब पे काम किया हुआ है और इसी दृष्टिकोण से चलते आ रहे हैं। प्रार्थना इनकी भावना हमेशा बनी रहे और मैं अपनी तरफ से अमर ज्योति डायरेक्टी जैन सिंधु पत्रिका की तरफ से टीम की तरफ से इनका आभार अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार भाजी, नमस्ते, नमस्कार।